अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह साथियों, फटकड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जोड़ों की दर्दों पे, असाबी कमज़ोरी में, और जितनी हमारी जो खुशक करने वाली जिस्म में कैफियत को पैदा करती है वो फटकड़ी बेहद ज़्यादा फ़ायदा देती है। और इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, पानी को साफ़ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसको बिरियां करना, फटकड़ी को फुल करना, बिरियां करना, मुसफ़ा करना, वो ज़रा थोड़ा सा इसकी तरफ देखेंगे, ताकि जो साथी इसको कच्ची इस्तेमाल करते हैं और केमिकल चूँकि इसके अंदर होते हैं तो फिर ये नुकसान देती है। इसको कभी भी खाने की अशिया में, अद्वियात में कच्ची नहीं इस्तेमाल करना, इसको बिरियां कर लेना है। आप इसको स्टोव पे, चूल्हे पे चढ़ाएं, पहले कूट लें, ज़रा ब्रीक कर लें, और जनाब इसको जैसे ही हम आग के ऊपर रखेंगे कुछ देर के बाद ये बिल्कुल पानी की तरह पतली लिक्विड हालत में आ जाएगी। ये देखें, इसके ऊपर जितनी हमने वो जो मैल शैल आई थी उसके अंदर से जो खुबासतें थी वो निकल गई, उसको ऊपर से उतार लिया। अभी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो गई है। देखें, जैसे ही हम चम्मच के इससे बाहर निकालते हैं उसी सेकंड ये जम जाती है, और इसी तरह ये अभी हार्ड होती जाएगी। जैसे हार्ड होगी तो फोम की शक्ल इख्तियार कर लेगी, बिल्कुल सॉफ्ट सी फोम की तरह ये, और वज़न में भी बिल्कुल हल्की हो जाएगी। जैसे ये हल्की होती है तो आप इसको उतारें और दोबारा पीस लें। ये तकरीबन 3 घंटे का प्रोसीजर मुकम्मल हुआ। इसको आप जैसे ही देखें, उतार के मैंने इसको उल्टाया जनाब, तो ये मुसफ़ा हो चुकी है, इसको बिरियां हो चुकी है। अब क्योंकि ज़्यादा मकदार में थी तो हमने नीचे से जो हो गई क्लियर उसको अलहदा कर लिया छुरी की मदद के साथ, और जो ऊपर ब्रीक सी तय बची उसको दोबारा थोड़ी सी आग और देते हैं, वो भी ठीक हो गई। ग्राइंड करके इसको महफूज कर लें, अपने इस्तेमाल में लाएँ। किसी को खुदा न खास्ता कोई जिस्मानी गुजी चोटें जिसको कहते हैं, कोई अंदरूनी चोट वगैरह लग जाती है, तो वो भी इसका आधा चम्मच दूध के साथ ज़रूर इस्तेमाल करें। बगैर दूध के इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी के साथ आप इस्तेमाल करें, लेकिन उस दिन भी रोज़ाना जैसे आप दूध पीते होंगे उसी तरह उस दिन ज़रूरी ये है कि इसके साथ दूध पिया जाए। खुशक इसकी कैफियत है। ये अद्वियात में जो हर्बल में नज़रिया मुफरत अदाद अरबा की जो फार्मूलेशन है उसमें फार्मूलों में ये मुसल 2 नंबर की दवाई जो है उसमें इसका शुमार होता है। हमने ये फटकड़ी तैयार कर ली, फुल्ला फटकड़ी इसको कहते हैं। अब हमारी मुसल 2 दवाई पहले से तैयार थी, इसके अंदर हम इस जनाब फटकड़ी को डालेंगे और जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये दर्दों के लिए, हर तरह की असाबी कमज़ोरी वगैरह के लिए, पट्ठों की थकावट के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथियों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।